सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 4 इंच या 4.5 इंच रख सकते हैं और इसकी लंबाई आप 8.5 इंच तक रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। ये निशान मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी गहराई आप 6.5 इंच से 7 इंच तक रख सकते हैं। तो ये निशान मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर भी इस तरह से 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से करके एक कट लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद हम अपनी बुकरम को इस तरह से खोल लेते हैं और ये यहाँ से हमारे गले की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। तो यहाँ से हम 6 इंच पर इस तरह से बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचते हैं और फिर इसको हम इस कट में इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे। जैसे हम अपना पान का गला बनाते हैं कुछ इस तरह से हम निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम करीब 1-1 इंच की दूरी पर पूरे गले के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद हम इधर भी 1 इंच पर एक इस तरह से सीधी लाइन खींच लेते हैं और इसके बाद हम दोनों निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम अपने कुर्ते का कपड़ा लेते हैं और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप इस तरह से बिल्कुल सीधा रख के इसको प्रेस से चिपका लीजिए और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। इस तरह से चिपकाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद जहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी गहराई है वहाँ पर हम इस तरह से कट लगाएंगे। और इसके बाद हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से यहाँ से देखिए दोनों कॉर्नर इस तरह से मिलाएंगे और इसके बीच में इस तरह से पहले हम निशान बनाएंगे और एक निशान हम इस तरह से इसके बीच में लगा देंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें भी बीच में इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद ये दोनों कट इस तरह से मिलाते हुए और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से रख के हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर बराबर में ये सिलाई लगाने के बाद
हम थोड़ा थोड़ा बाहर से इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर एक कट ज़रूर लगाएंगे इस तरह से। बस हमें ये ध्यान रखना है हमारी ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और बीच बीच में भी हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे पूरे गले के ऊपर। ये कट लगाने के बाद हम अपने गले को इस तरह से पलट लेते हैं, और पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। इसके बाद हम मैचिंग की ओरे पट्टी लेते हैं, और उस ओरे पट्टी की चौड़ाई हम थोड़ी कम काटते हैं, और इसके बाद हम एक साइड से पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए पहले हम एक साइड इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इस साइड बिल्कुल बारीक सी इस तरह से ये जगह छोड़ते हुए तब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए ये पट्टी हमें हमारा ये जो नेक का कॉर्नर है इससे थोड़े आगे तक इस तरह से लगानी है, और थोड़ी सी आगे से इसकी कटिंग करनी है। और हमारी ये पट्टी देखिए यहाँ से इस तरह से थोड़ी अभी हमारी ये पट्टी मुड़ी हुई है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे तो एकदम सीधी हो जाएगी। और अब हम दूसरी साइड से इसको इसी तरह से मोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अगर आपको लगता है कि इस पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसकी थोड़ी सी पहले कटिंग कर लें, और उसके बाद बिल्कुल बराबर इसको मोड़ते हुए हम इसके ऊपर दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए ये पट्टी हमें इस तरह से लगानी है, और इस पट्टी को लगाने के बाद हम यहाँ से करीब 13 इंच पर बिल्कुल सीधा एक निशान लगाएंगे, और ये निशान आप इससे कम या ज़्यादा पर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया है बिल्कुल सीधी हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, जो हमारा ये नेक है बिल्कुल इससे इस तरह से मिलाते हुए। और इसके बाद हम बुकरम की एक पट्टी काटते हैं, और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच रखी हुई है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसके बाद हम इसको कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपका लेते हैं प्रेस से, और एक साइड इसमें थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा कपड़ा छोड़ते हैं, और दोनों साइड भी इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसमें छोड़ देंगे। और इसके बाद हम ऊपर से करीब 1/2 इंच ऊपर छोड़ देंगे, और इसके बाद 1-1 इंच की दूरी पर ये जो हमारी बुकरम दिखाई दे रही है यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हम बिल्कुल इनके सामने सामने दूसरी साइड भी इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से आप बिल्कुल सीधा रख के देख लें, और इसके बाद हम डोरी बनाते हैं, और डोरी के इस तरह से हम छोटे छोटे पीस करते हैं। इसके बाद हमने जो डोरी के पीस किए हुए हैं इनको हम इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से रखते हुए जो हमारी ये बुकरम यहाँ पर दिखाई दे रही है हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। इस तरह से हर निशान के ऊपर इस तरह से हम इनको रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए दोनों साइड ये डोरी हमें इस तरह से लगानी है, और इसके बाद हम दो पट्टियाँ काटते हैं, और उनको हम देखिए इस तरह से रखेंगे यहाँ से इस तरह से रख के, और बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में हम बुकरम की साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। एक पट्टी हमें इधर लगानी है और एक पट्टी इधर लगानी है। ये पट्टी हमें सीधी साइड रखनी है, और उल्टी साइड हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर में
सिलाई लगानी है और दोनों साइड हमें इसी तरह से पट्टी सीनी है। इसके बाद हम इस पट्टी को इस तरह से मोड़ते हुए बिल्कुल अपने नेक के बिल्कुल यहाँ पर बराबर में इस तरह से रखते हुए हमने ये जो लाइन खींची हुई है इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। जब हम नीचे आ जाएंगे तो हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे, और फिर दूसरी साइड से भी हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके तब इसके ऊपर पहले यहाँ पर फिर इस तरह से सिलाई लगानी है, और फिर दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम एक डोरी लेते हैं और उसको इस तरह से पहले हम इस तरह से डालेंगे और फिर इस तरह से हम क्रॉस क्रॉस बनाते चले जाएंगे। देखिए ये क्रॉस हमें इस तरह से बनाने हैं, ये डोरी इधर से निकालनी है, ये इधर से, तो ये हमारे इस तरह से क्रॉस बनते चले जाएंगे। इस तरह से ये हमारा नेक तैयार हो गया है और आप इसमें नीचे कोई भी लटकन लगा सकते हैं। और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। One. 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 One.